हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज 22 नवंबर है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरी सारी पैकिंग हो गई, बस मैं अभी घर से निकल गई हूँ। मिस्टी तैयार होके बाहर में वेट कर रही है, टोस्टी भी वेट कर रही है। गाड़ी में सारा लगेज एडजस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता है हमारा जाते जाते। चलो भाई बैठो तुम लोग। इधर देखिए, अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। अब मिलते हैं आने के बाद, ठीक से जाइएगा। गाइस तो हम घर से निकल चुके हैं, द्वारिका खत्म हो चुकी है। द्वारिका एक्सप्रेसवे जो नई रोड बन रही है, अब मैं पीछे बैठती हूँ मिस्टी के साथ। मिस्टी को थोड़ी उल्टी की प्रॉब्लम है, ये उल्टी करती है तो मुझे देखना होता है। करो रोको। चलो सो गई, सो जब सो जा कोई बात नहीं, बाद में बाद बताने। देखते हैं इतना लंबा सफर हमारा कैसा रहता है। 1500 किलोमीटर पहली बार। 1500 किलोमीटर पहली बार अपनी कार से जा रही हूँ मैं। नहीं तो हर बार ट्रेन से ही जाना होता था। देखते हैं कैसा रहता है सफर। 1.5 घंटा हो गया हम लोग। मेरी नींद लगी थोड़ी, ये देखिए फ्रेंड्स, इधर रंग बिरंगी लाइट है 3 झंडा वाले साइड में, ग्रीन वाइट और ऑरेंज। नहीं दिख रहा है। ये क्या है? यमुना। इतना अच्छा रोड रहता है। एक एम्बुलेंस भी जा रहा है। ये हमारा पहला टोल आ गया, जेवर टोल बोलते हैं। जेवर टोल नाम है इसका, लिखा होगा पता चल। जेवर टोल पूरा खाली इधर। मिस्टी कितना आवाज़ देकर सुनती है, आवाज़ कम करो। भाई हमारी बारी तो कट गया। निकल बस, खाली खाली रोड है, कितना अच्छा है यहाँ पे, कोई ट्रैफिक नहीं, मजे से बस चलते चलो। भूख लगा खाना खाना, इसलिए आवाज़ दे रहा है। एनर्जी थोड़ा वेस्ट हो गई। कौन सी लगा रहा है, ये जलपान रेस्टोरेंट जल्दी मिल जाए। लेफ्ट साइड दिखा रहा जलपान। ये यहाँ पे लाइट का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। उधर लाइट इधर आगरा में एंट्री हो रही। ये क्या रहा है, ये बज रहा है रात को 10:15। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चल रही है गाड़ी। खाली रोड है, इधर का लाइट आधा चल रहा है और रात में।
गाइज यहाँ पे रेस्ट हाउस है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खाना वाना खाने के लिए, रुकने के लिए यहाँ पे आए हैं। थोड़ी बहुत गाड़ी की सफाई हो रही है, टोस्टी मिस्टी का मैंने खाना दे दिया, वो खाना खा रही है। यहीं पे हमारा खाने का प्रोग्राम है। ये बहुत बड़ा एरिया लग रहा है रेस्ट हाउस का, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बज रहे हैं, रात के 10:30 से भी ज़्यादा हो रहा है। हम लोग यहाँ खाना खा के थोड़ा रिलैक्स करके फिर यहाँ से चलेंगे। हमने डिनर कर लिया, अब मैं थोड़ा यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे यहाँ से। रोड बिल्कुल खाली खाली मिल रहा है, अब रात के 12 बजने वाले हैं टाइम। देखिए फ्रेंड्स, रात के 12 बजने ही वाले हैं। लखनऊ से अभी लखनऊ पहुँचने में 143 किलोमीटर दूर है हम लोग। रात को बिल्कुल रोड खाली है, 18 किलोमीटर चल गया दिल्ली से। 4 बजे से हमने, 4 बजे घर से बाहर निकल गए थे, 12 बजे है, 4 से 12। हाँ, छोटा छोटा ब्रेक भी हो गया क्योंकि लगातार चलना तो फिर थकान सी हो जाती है, ब्रेक भी जरूरी है। रोड बहुत अच्छा है, मस्त रोड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे रोड पे चलाने में कोई थकान सी नहीं होती, कोई भी गड्ढा गुड्ढा नहीं, बिल्कुल मक्खन जैसी रोड है ये रात को। लेकिन अभी ट्रक वगैरह ज़्यादा मिलता ना, ट्रक ज़्यादा चलता ही है, रात के दिन में भी चलता है एक्सप्रेस वे यहाँ पे, रात में ज्यादा दिखता है बस दिन में। अगर कार वार और ज्यादा दिखेगा, एक दो चार कार। कौन एक बजने वाले हैं, हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक बीच में, चाय पी लेती हूँ थोड़ा सा नींद खुलने के लिए। रात भर जगना है तो रात भर जग के सफ़र करना है तो थोड़ा चाय वाय होता रहता है बीच में। लखनऊ पहुँच गए हम लोग। अब ये इधर लखनऊ का सारा शहर है, लखनऊ सर पास कर पार कर रहा है। अब यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से 340 किलोमीटर है गाजीपुर, जो बिहार बॉर्डर तक ले जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे, फिर वहाँ से पटना का रास्ता मिलेगा बक्सर से। तो पहले तो नवादा जाना है, नवादा से रुक के फिर वहाँ से भागलपुर। काफी ज्यादा जाम मिलता, ट्रैफिक मिलता, रात में सफर करने का यही फायदा नहीं, फटाफट पहुंच जाओ। निकल गए लखनऊ क्रॉस कर गए। ट्रक का थोड़ा टेंशन लगता है। लखनऊ को तो नवाबों का शहर बोलते हैं ना, दिख रहा है ना पूरा सारी है, लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं ना। अभी रात है, दिन है तो लाइट जितना शहर दोनों सो रही है पीछे, इधर उठ गई है, टोस्टी सही है। पूर्वांचल को सागर ना इधर
लगता है गोल गोल। लखनऊ छोड़ गए, लखनऊ सर पीछे छूट गया, बाय बाय लखनऊ। लखनऊ को तो हो गया ना। अभी हम लोग आ गए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, अब ये सीधा चलेंगे 340 किलोमीटर। पूरा सर्कल खत्म हो गया, अब सीधे जाना है। ये देखिए गाइस, ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, देखो कितना फोग फोग है। तो आराम आराम से गाड़ी चलाना पड़ेगा फिर तो डायरेक्ट, तो थोड़ा सा अचानक से कहीं भी साफ हो जा रहा है कहीं फोगा जा रहा है। ठंडा तो अलग बात है बेटा, दिखाई नहीं देगा तो फिर दिल्ली में भी ऐसे हो जाते हैं। फिर आ गया, फिर से वापस आ गया, कहीं बिल्कुल साफ हो जा रहा है कहीं बिल्कुल आ जा रहा फोग। आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल गेट। यहाँ पे साफ है या फिर टोल लेना है? इसलिए साफ है यहाँ पे आराम से सो रहा है, पता है कि इस पैसे अपने आप घट जाएगा। ड्यूटी भी हो रहा, उसका नींद भी पूरा हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीधा बक्सर की ओर, कंटिन्यूस 340 किलोमीटर। इतना लंबा सफर भी तो है, थक जाओगे, रास्ता खत्म नहीं होगा। रात भर जग के हम लोग सफर कर रहे हैं, बाबा नहीं खाओ, चार कितने बज गए अभी, बस बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। बोर होते जाओ चलते जाओ। 4:25 हो गए, नहीं लग नहीं रहा था रात भर जग के सफर करने में, सुबह हो जाएगा। मेरा तो आदत है जगने का, आपका तो आदत है। आपको आज हम गड़ बच गया 2 घंटा, पर गलत दिखा रहा है कि हम लोग 128 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट में कवर कर लेंगे। 100 की स्पीड में चल रहा है तो लखनऊ से चले थे 3:10 पे और 4:26 हो रहा है और 115 किलोमीटर कवर कर लिया। रास्ता भी तो खाली है ना, इसलिए फटाफट हम लोग चलो। 100 की स्पीड में चल रहा है, रात में सफर करें तो कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना, जल्दी पहुंच जाओ घर। फिर हम लोग आजमगढ़ पहुंच के सुबह का चाय पियेंगे और गाड़ी में CNG भी डलवा लेंगे। आजमगढ़ में CNG मिलता है, अच्छा गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा दे रही है। CNG में 25-26 का माइलेज दे रही है। ये रेट अब चलो, ताकि यहाँ पे CNG का रेट पेट्रोल के जैसा ही है, 93-94 रुपए के आसपास CNG का रेट है। शाम को, कल शाम को 4 बजे से सफर करते करते सुबह के 6 बजे अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, पेट्रोल भरवाने आए हैं। हाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, चलते बैठे बैठे बोर हो गए। क्या सुंदर नजारा है देखो, वाओ सनराइज, चारों तरफ धुंध पड़ रहा है, धुआं धुआं दिख रहा है, दिख नहीं रहा चारों तरफ, नीचे ज्यादा धुंध है फिर ऊपर सूरज, नीचे नीचे धुंध ऊपर सूरज दिख रहा है। कुछ खाना है बेटा? खाना है तुम लोगों को? कुछ खाना बेटा, खाना है तो बोलो। चिप्स कुछ तुम लोगों का जूस रखा हुआ है,
खाना तो बोलो बेटा, ब्रश कर लिया अब हम लोग, ब्रश करके तैयार हो गए हैं। अभी हम लोग जमुई से आगे जा रहे हैं, परसों शाम को 4 बजे मैं निकली थी और कल मैं नवादा में रुकी जहाँ मैं इंद्रनंद का घर था, और अभी हम लोग जमुई से आगे जा रहे हैं। बागल को पहुँचने में टाइम लगेगा। यहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लाए हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के। ये भागलपुर बस आने ही वाली है, 10 मिनट में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो फाइनली गई मैं अपने घर यानी मम्मी के घर मायके पहुंच गई, मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे घर के बाहर का नज़ारा, घर सजा हुआ है, परसों शादी है। ये देखिए हमारे दिल्ली के मेहमान आ चुके हैं, आइए आइए आप लोग का स्वागत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।